यशराज कल आप क्लास नहीं ले पाए थे, कल के नोट्स देख के इससे कर लेना कंप्लीट, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट टर्म में टोटल 6 चैप्टर आने हैं, उसमें से ये सेकेंड लास्ट चैप्टर अपना चल रहा है। तो कल मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक फ्लक्स, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस, किसी भी सरफेस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस की नंबर्स को, उनकी संख्या को हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस के नंबर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िए हंशिका। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ the magnetic field normal to that surface. Yes, area multiplied by component of the magnetic field normal to that surface. तो अगर किसी particular angle पे जा रहा है normal से बनाते हुए तो जो component टूटेगा वो क्या बनेगा, b cos theta. तो b cos theta multiplied by ds करेंगे हम, n cap से ये अगर b theta angle बनाते हुए b जा रहा है तो कल मैंने बताया था कि d phi is equal to होता है b dot ds. n cap unit vector है normal का, तो normal का vector क्या था, ds था, तो ds को अकेला छोड़ दिया और वेक्टर को अलग दिखा दिया, समझ गया ना। तो ये बन गया bds, और इसको यदि नॉर्मल ये लिख दिया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, इसको ब्रेक कर दिया bds को n को, तो मॉड b मॉड ds cos थीटा, cos थीटा, ओके। हाँ, और अगर ये ds एरिया, स्मॉलर एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया ds है, यहाँ पे जो छोटा सा एरिया रखा हुआ है इसके अंदर वो ds है। तो अगर टोटल में एरिया की बात करूँ तो टोटल देखो, छोटा एरिया क्या, छोटा फ्लक्स क्या, d phi इक्वल टू b डॉट ds cos थीटा। तो अगर मैं बड़ी की बात करूंगा तो टोटल नेट फ्लक्स कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से तो आएगा, परंतु होगा क्या, फाइ इज इक्वल टू बी, बी तो बी है, डीएस की जगह पूरा एरिया कवर होगा तो क्या हो जाएगा, ए, तो बी ए कॉस थीटा, जिसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं अपन, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा ही होगा ना, जिसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं क्या, बी डॉट ए, ए का वैक्टर छुड़ा लो, एन कैप दे दो दिखाने के लिए, है ना, बी ए, तो इसको मतलब ऐसा लिख दिया कि ऊपर वाली चीज़ को नीचे लिख दिया, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लिख दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये क्या है बच्चों, टोटल फ्लक्स है, ये है टोटल फ्लक्स, और ये क्या है, छोटा सा फ्लक्स। सो याद रखिएगा d phi इज इक्वल टू बी डॉट डी एस और phi इज इक्वल टू बी डॉट ए, दो फार्मूले मेन कॉपी में नोट कर लो, d phi इज इक्वल टू बी डॉट डी एस और phi इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये वाली लाइन d phi इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। चलिए देखिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस लाइन को, ये लाइन जो है थोड़ा सा डेड्यूस करके आती है, कल मैंने आपको बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि इस पॉइंट से जो निकलने वाली लाइन कितनी है, बी कॉस थीटा है, बिल्कुल बंद कर लो मोबाइल, दूर रख दो इसको, बिल्कुल इस पॉइंट से निकलने वाली जो लाइन है वो बी कॉस थीटा है। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लूँगा मैं ds, तो उससे निकलने वाली जो सारी लाइन्स हो जाएंगी वो क्या कहलाएगा, सारी परपेंडिकुलर लाइन्स कितनी होंगी, d phi इज इक्वल टू बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया कितना, ds। सो इसको यदि मैं अच्छे से लिखूं, सो ये क्या है, डी फाई इज इक्वल, क्यों लोगे बी को, वो तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, वो नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं है ना, अपन को तो वो लेना है ना जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है। तो बी कॉस थीटा इंटू डी एस यदि इसको लिखूं मैं, तो उसको मैं लिख सकता हूँ बी का मॉड डी एस का मॉड और कॉस ऑफ थीटा, ये अपन वाले अपन ने पढ़ा था, अपन ने फॉर्मूला, ये क्या होता है ए डॉट बी, सो डी फाई इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, तो ये बन गया भैया b वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये वाली लाइन, और cos थीटा तो हटा दिया ना भाई, डॉट प्रोडक्ट हट गया, cos हट गया तो डॉट प्रोडक्ट आ गया, और अब अपन को टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इधर भी इंटीग्रेट किया d phi और इधर भी इंटीग्रेट किया b डॉट डी एस, तो इधर इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया, phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b और डॉट कितना डी एस, चलो और ज़्यादा इंटीग्रेट कर दो b, फाइव इज इक्वल टू, अगर b कांस्टेंट है तो b बाहर आएगा, अगर b वेक्टर क्या है कांस्टेंट है तो b बाहर आएगा, याद रखना ये बात, है ना, जैसे इसने b बाहर ले लिया तो ये तब आया बाहर जब b कांस्टेंट है,
अब ds का इंटीग्रेशन, अरे वो सब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको. ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन मतलब पूरा सरफेस ज्ञात लो, ये पूरा का पूरा इसको शेड कर दो, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. तो बड़ा फ्लक्स phi इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और इसको ओपन करके फोड़ दो फॉर्मूले से, तो क्या होगा, phi इज इक्वल टू b a cos ऑफ थीटा. चलो इसको नोट कर लो सब लोग, अब ना पूछना आर्यन ने, कसम से जलिया वाला बाग याद दिला दूंगा मैं, इसको अच्छे से नोट कर लो. अब इसको एक बार फिर से आप लोग नोट कर लें, फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना. बड़ा फ्लक्स छोटा फ्लक्स, बड़ा फ्लक्स छोटा फ्लक्स, भाई छोटा फ्लक्स चाहिए तो डी फाई का रूल लगाओ, बी डॉट डी एस. अब डॉट में रखना, डॉट में रख दो, डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो, अगर एंगल दिया है तो खोल दो, थीटा खुल जाएगा, है ना. और बड़े के लिए क्या होगा, फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा. अब थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कल बताया था मैंने कि पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब एक्यूट एंगल में होता है, तो एक्यूट एंगल के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होता है. थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब ऑब्ट्यूज एंगल में होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो उस समय अगर 90 डिग्री से ज़्यादा की बात करोगे तो आपका नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा. सर एक चीज़ और पूछ ले, पूछिए कि आपको ये कैसे पता था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. देखिए मैंने आपसे इस चीज का जवाब दे दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है उस समय आपने भी बाहर लिया, मैंने बोला है अगर ये कांस्टेंट हो, अगर नहीं है तो अंदर रहेगा, इंटीग्रेट होगा फिर वो, अगर नहीं रहेगा तो इंटीग्रेट. भाई इंटीग्रेशन का रूल कहता है ना कि अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है, तो अगर कांस्टेंट होगा तभी तो बाहर आएगा. भाई हम लोगों ने उसमें भी तो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने ई डॉट डी एस किया, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ करता था वहां पर हम ई को बाहर ले लेते थे और केवल डी एस करते थे. याद करो स्फेरिकल बलून वाला जो हमने डेरिवेशन किया था, ई डी एस का क्या आता था, 4πr², तो वहां ई कांस्टेंट था ना, क्यों, क्योंकि याद करो फिर वही वाली फीलिंग की, यहां पर चार्ज बैठा हुआ है तो चाहे आप इससे कितनी दूरी पर जाओ, बब्बर शेर से चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, इधर जाओ, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो सेम होगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू का है, तो इसलिए ई कांस्टेंट. तो ये बी आप बाहर लेने का अधिकार तभी रखते हैं जब बी कांस्टेंट हो. चलो नोट कर लो, ये सर्कुलर का जो आप कंसेप्ट लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगा रहे हैं, याद रखिए वो सर्कुलर का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि वहां पे चार्ज दे रहा है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे किसी और का फील्ड आ रहा है नीचे से, तो डिपेंड करेगा ये कि नीचे जो बैठा है वो कांस्टेंट फील्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना. मटेरियल पे मतलब जो, हाँ जो जो मैग्नेट यहाँ पे बैठा हुआ कांस्टेंट फील्ड दे रहा कि नहीं दे रहा है. डन जय यशराज, क्लियर हुआ? यस सर. ओके जय, क्लियर है? जय क्लियर है? जय क्लास में नहीं लगता. हंसिका क्लियर? यस सर. ये मिटा दूं सारा कुछ? यस सर. ठीक है, इरेज यहां से आएगा. ओके तो यहां तक तो हम आ गए. अब देखिए जी, पॉजिटिव फ्लक्स कल बता दिया कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो पॉजिटिव फ्लक्स, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव फ्लक्स, और थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल है तो मैक्सिमम फ्लक्स. थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल है मतलब जीरो फ्लक्स, कॉस 90 बराबर जीरो, और मैक्सिमम फ्लक्स होने के लिए थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री होना चाहिए. हाँ, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री जब फ्लक्स और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, उस समय ये रहेगा. तो देखिए फॉर्मूला लिखे बच्चों, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जो मेन फॉर्मूला आया हमारे पूरे पूरा फ्लक्स जो आया, पूरा फ्लक्स कितना बनेगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. अब एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, यशराज ये बताओ कि मैं फ्लक्स को कैसे कैसे बदल सकता हूँ, अगर मेरी इच्छा है कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलूँ तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं कि मैं कैसे कैसे फ्लक्स बदल सकता हूँ, क्या क्या बदल के मैं फ्लक्स बदल सकता हूँ, बोलो मैं कैसे कैसे फ्लक्स बदल सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लक्स बदलूँ. हंसिका आप बोलो, फ्लक्स कैसे कैसे बदला जा सकता है सर?
सर एरिया चेंज करके, हाँ और सर कॉइल का शेप चेंज करके, और सर बेटा देखो तीन ही चीज़ें हैं यहाँ पर चेंज करने लायक। फाइ तीन बात पे डिपेंड कर रहा है, एक बी पे डिपेंड कर रहा है, एक ए पे डिपेंड कर रहा है, एक कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो फाइ को बी बदल दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगो, मतलब जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसको कम ज़्यादा करो, लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम करो ज़्यादा करो, कम करो ज़्यादा करो, समझ में आया ना। तो फिर तो फ्लक्स बदलेगा, फिर या तो एरिया बदल दो, एरिया को कम करो ज़्यादा करो, कम करो ज़्यादा करो तो फ्लक्स बदलेगा, या थीटा को कम करो ज़्यादा करो, मतलब कॉइल को घुमाओ। थीटा कब चेंज बदलेगा, जब कॉइल घूमेगी, तो कॉइल को घुमाओगे तो कम ज़्यादा होगा। फिर आपके मन में सवाल, सर ये फ्लक्स कम ज़्यादा करने की बात क्यों कर रहे हो आप, ये फ्लक्स कम ज़्यादा क्यों कर रहे हो आप, फ्लक्स बदलना चाह रहे हो बट क्यों बदलना चाह रहे हो। तो सारा चैप्टर इसी फ्लक्स के बदलने से ही भैया कनेक्टेड है, कि फ्लक्स हमें इस चैप्टर में बदलना है। अभी एक रूल आने वाला है जो बहुत अच्छा रूल है, और उसी ने बताया कि जो कुछ हुआ फ्लक्स के बदलने से ही हुआ, समझ गए ना, फ्लक्स के बदलने से हुआ। चलिए देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय, पहला द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो बी को बदल दो, या तो द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कॉइल, एरिया को बदल दो, द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल का ओरिएंटेशन मतलब कॉइल को घुमाओ मतलब थीटा को बदल दो, या इनमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन, या तीनों को एक साथ बदलो। तीनों को बदलोगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, हम लोग के सिलेबस में केवल एट ए टाइम एक को ही बदलना पढ़ाना है, या तो बी बदलेगा, या तो ए बदलेगा, या तो थीटा बदलेगा, समझ में आ गया। ओके चलो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैंने बताई वेबर, और वेबर को क्या बोलते हैं, टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फाई इज इक्वल टू बी इंटू कितना, डी एस, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, और फाई इज इक्वल टू कितना, बी इंटू ए। यदि देखा जाए पूरा फॉर्मूला, तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी को किस में नापते हैं, टेस्ला में, एरिया को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर। तो भैया यूनिट हो गई कितनी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। हाँ, अब इसकी सी जी एस यूनिट क्या होती है बच्चों, मैक्सवेल। सी जी एस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल, ठीक है ना। नोट कर लो बच्चों कि वन वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10^8 मैक्सवेल। ये SI है, ये CGS है, -8 वेबर। तो बात तो वही हो गई, एक वेबर में 10^8 मैक्सवेल, नोट कर लीजिए, वन वेबर में 10^8 मैक्सवेल। ओके यस सर। जय क्लास में आ गए। सो वन मैक्सवेल इक्वल्स टू 10^-8 वेबर, या वन वेबर इक्वल टू 10^8 मैक्सवेल। एक बात, अब एक बहुत बढ़िया फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, उसी को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, उसी को स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और उसी को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इतने सारे नाम हैं, और अपन जिसको प्यार से बी बोलते हैं। तो बी का पहला नाम जो आपके जेहन में आता है वो क्या होता है, वो बोलते हो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी। तो उसी को अब देखो, अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, बोलो। हाँ, पर्टिकुलर केस ले लो, पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस समय ये फ्लक्स बिल्कुल इसी के पैरेलल निकल रहा है। तो यार ये तो कल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय पे थीटा कितने डिग्री है, बोलो, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल नहीं आ रहा है फील्ड, तो थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इंटू ए, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो लो भैया इस समय बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कि एरिया में जाने वाला फ्लक्स कितना घना है, इस बात को क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी। भाई आई अपॉन ए को क्या बोलते थे अपन लोग, जे, करेंट डेंसिटी। अभी अभी चैप्टर पढ़ के दिए हो टेस्ट, आई अपॉन ए कहलाता था करेंट डेंसिटी, है ना। क्यू अपॉन ए क्या कहलाता, चार डेंसिटी, सिग्मा, याद करो। तो भैया फ्लक्स अपॉन ए एरिया क्या कहलाएगा, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितने फ्लक्स जा रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बोलो क्लियर हुआ बच्चों, यस सर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स
एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. बेटा इसका दूसरा नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन. अब कोई भी नाम आ जाए कन्फ्यूज नहीं होना है. ये हो गया बच्चों ये पैरा. बताओ इसमें कोई डाउट तुम लोग को इस पैरा में पूरे में कहीं पर कोई प्रॉब्लम? नो सर. चलो बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया. यशराज यस बोलो. क्लियर? क्लियर. चलो ठीक है अब देखिए नेक्स्ट. ओके अरे भाई मैग्नेट को मूव होने की बड़ी जल्दी है. अरे अगला पढ़ते हैं टॉपिक भाई. अगला टॉपिक है फैराडे का एक्सपेरिमेंट. सर पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ाने लग गए, रूल तो बता दो. रूल बाद में बताएंगे, पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे जिससे समझ में आएगी हो क्या रहा है. देखो भाई खतरनाक एक्सपेरिमेंट था फैराडे की ज़िंदगी बदल देने वाला. बड़ी अद्भुत साइंटिस्ट थे फैराडे जी. पाँचवीं क्लास फेल थे फिर भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी खोज के दे दी, जिसकी वजह से आज हम लोग सब लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं. फेल नहीं थे, पाँचवीं क्लास के आगे पढ़ने को नहीं मिला था यार, है ना. उनके पापा जी बहुत गरीब थे, मूर्तियाँ बनाया करते थे और बाद में उनकी भी डेथ हो गई थी. तो भाई साहब ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फैराडेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? बड़ी मेहनत करी थी. हेम्फ्री डेवी एक साइंटिस्ट थे, उनके असिस्टेंट लैब में बन गए थे, उनकी लैब में नौकरी किया करते थे और रात को लैब खोल करके पूरी रात भर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और कोशिश किया करते थे कि मैं एक दिन इस एक्सपेरिमेंट को इन्वेंशन को करूँगा. जा करके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में चाय बेचा करते थे, सुबह से लेक्चर सुना करते थे साइंटिस्ट के, चोरी चोरी छुप करके उनके लेक्चर के नोट्स बनाया करते थे और उनके लेक्चर सुनते सुनते एक दिन उन्हीं से महान साइंटिस्ट बन गए जिन साइंटिस्ट के ये लेक्चर सुनते थे. मतलब ज्ञान की इतनी ज़बरदस्त झील और नॉलेज थी, इतना भयंकर खतरनाक वाला मोटिवेशन देते हैं माइकल फैराडे. पढ़िए इनके बारे में. तो ये देखिए माइकल फैराडे का वो एक्सपेरिमेंट क्या था जिन्होंने बताया कि मैग्नेट के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है. इसके पहले करीब 14 साल पहले, 10 साल के आसपास पहले, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसने बताया था कि अगर मेरे पास करंट हो तो मैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता हूं. तो आप कहेंगे सर करंट, करंट तो ऑलरेडी जब ओरस्टेड ने खोज ली है तो फिर माइकल फैराडे फिर करंट की खोज क्यों कर रहे हैं? फिर माइकल फैराडे को करंट का खोज का श्रेय क्यों जाता है? देखिए वो जो करंट थी जो ओरस्टेड के टाइम में खोजी गई थी वो डीसी करंट थी, केवल बैटरी वाली करंट. बैटरी को चार्ज करो, जब तक चार्ज है चार्ज रहेगी, उसके बाद बैटरी गोल तो डब्बा गोल. मतलब ये मान लीजिए कि थोड़े समय तक के लिए वो करंट उपयोगी थी, बस इतनी कि एक्सपेरिमेंट कर पाओ. ना उससे पंखा चलता था, ना उससे कूलर चलता था, ना उससे बल्ब चलता था, तो वो करंट इतनी यूज़फुल नहीं थी. तो यहाँ पर माइकल फैराडे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैं कोई ऐसा जुगाड़ ना करूँ कि जब ओरस्टेड करंट से मैग्नेट बना सकते हैं तो मैं भी मैग्नेट से करंट बना दूँ. तो ये सोचने लग जाते हैं माइकल फैराडे. बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई साल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मैग्नेट और मैग्नेट से और इलेक्ट्रिसिटी से खेलने की कोशिश करते रहते हैं. बट सडनली एक दिन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि एक क्वाइल उनके ऑफिस में, उनके टेबल पे एक क्वाइल रहती है, एक क्वाइल रहती है उनके टेबल पे, और वो अपना कबर्ड ओपन करते हैं. ऐसा लोग बताते हैं कि कबर्ड ओपन करते हैं या कुछ सामान ढूंढ रहे थे वो, सडनली उन्होंने मैग्नेट उठाया और वो क्वाइल उस समय क्या थी, क्लोज थी. किस्मत से कैसी थी क्वाइल? क्लोज थी. मतलब क्वाइल का मतलब एक स्प्रिंग ऐसी जैसे आपको दिख रही है, एक स्प्रिंग और इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था. तो भैया ये गैल्वेनोमीटर चाचा क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस सवाल उठता है. गैल्वेनोमीटर का काम होता है छोटी सी भी करंट आ जाए उसको डिटेक्ट कर देना खटाक से. करंट क्या, करंट का वायरस भी आ जाए ना तो फटाक से गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर देगा. ये नहीं बताएगा कितनी ज़्यादा कितनी कम, बस डिटेक्ट कर देगा कि करंट है या नहीं है, तो डिटेक्ट कर देगा. तो ये एक्सीडेंटली जुड़ा हुआ था उस दिन, किसी ने कनेक्शन तोड़ा नहीं था और वो अपने ड्रॉर में कुछ खदड़ बड़जड़ मचा रहे थे, ढूंढ रहे थे सामान को. एक्सीडेंटली उन्होंने मैग्नेट उठाया और जैसे मैग्नेट उठा करके उसको कहीं आजू बाजू किया, ये क्वाइल हिल गई. अब ये तो आप भी जानते हो कि भैया इस क्वाइल को हिला पाना, कोई हवा नहीं हिला सकती इस क्वाइल को, चाहे तूफान आ जाए, क्योंकि वो कांच के चैम्बर के अंदर रहती है वो क्वाइल. इसको हिला पाना केवल किसका काम है, करंट का. निडल टाइप की रहती है तो इसको केवल करंट हिला सकती है. तो माइकल फैराडे देखने लग गए कि यार ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या उठा दिया कि ये इन्होंने ये क्वाइल हिल गई. समझ गए ना,
उन्होंने लैब का एक एक सामान उठा करके उस कॉइल के पास ला करके देखा, ठीक है ना। उसी ड्यूरेशन में उन्होंने एक चुंबक उठाया, और जब वो चुंबक उठा करके इसके पास में लाए तो देखा वो कॉइल निडल मूव कर रही थी। तो मतलब मैग्नेट की मोशन से क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेट की मोशन से करंट क्रिएट हो रही है। देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा था इसी नहीं। ये यहाँ पे माइकल फेराडे जो है, अब जब इनको पता चल जाता है कि मेरे मोशन से ये हो रहा है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहले ये नॉर्थ पोल को पास में लेके आते हैं, ये देखो, ये देखो लेके आते हैं। अब क्या क्या फीलिंग आ रही है, जब तक नॉर्थ पोल आ रहा है करंट लगातार बढ़ते जा रही है, करंट देखो लगातार बढ़ रही है। देखो जैसे ही मैग्नेट रुक गया, करंट खड़ाक से जीरो हो गई, मतलब मूविंग मैग्नेट कर, हाँ यस, मतलब मूविंग मैग्नेट से, मूविंग मतलब मैग्नेट मतलब फ्लक्स, मूविंग फ्लक्स मतलब चेंजिंग फ्लक्स, कॉइल के साथ जो फ्लक्स है वो बदल रहा है लगातार, जैसे जैसे मैग्नेट आएगा फ्लक्स बढ़ता जाएगा कॉइल से। अब बोले सर फ्लक्स कहाँ है, अब यार मैं गंदा डायग्राम नहीं करूँगा, ये जो नॉर्थ पोल होता है इससे खूब सारी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, वही तो फ्लक्स है, पीछे साउथ जाती हैं। तो जब ये मैग्नेट पास में आएगा तो इससे अटैच होने वाला फ्लक्स लगातार बदलेगा, ये देखिए, और फ्लक्स बदलेगा तो इसमें करंट बढ़ेगी, और जैसे ही पास में आ गया करंट जीरो हो गई ना, उतना ही तेज ऑब्वियसली, जितना तेज करोगे फ्लक्स उतना जल्दी चेंज होगा। वो फेराडे का रूल नंबर 2 है जो आप कह रहे हो। अभी रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तब तक करंट प्रोड्यूस होगी जब तक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये फ्लक्स का चेंज होना। अब एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, पहली चीज तो आपने ऑब्जर्व कर ली कि जब तक मैग्नेट चेंज हो रहा था, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तब तक करंट फ्लो हो रही है। करंट क्यों फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने का मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज बन गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज बन गया। बच्चों जो समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है कि इसको बार बार पढ़ाया जा सके, बहुत हैवी कंसेप्ट है ये। अब देखिए जरा एक और बात देखिए, बताएंगे बस, वोल्टेज बन गया, मैं वहीं बताने जा रहा था, वोल्टेज बन गया। वोल्टेज बनना मतलब करंट फ्लो होना। अब दो ही रास्ते हैं कि या तो करंट इधर से ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे लौटेगी, हाँ या ना। अगर करंट ऐसे जाके ऐसे लौटी, इसका मतलब ये टर्मिनल हुआ प्लस और ये टर्मिनल हुआ माइनस, क्योंकि करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से बाहर जाती है और माइनस से अंदर आती है, तो एक सीन तो ये है। या ये हो सकता था कि ये टर्मिनल बन जाता प्लस और ये टर्मिनल बन जाता माइनस। तो आपका सवाल ये है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? तो इसका जो जवाब था, इसका सही जवाब बाद में फेराडे के जाने के बाद किसने दिया लेंज ने। फेराडे ने दो नियम बनाए, फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फेराडे का फर्स्ट लॉ ये था कि जब तक तुम ये खदड़ बदड़ करते रहोगे, जब तक तुम ये कॉइल को मूव करते रहोगे, तब तक करंट इस्टेब्लिश होती रहेगी। अब करंट इस्टेब्लिश होने का मतलब आप समझ पाए, इसलिए मैंने करंट इस्टेब्लिश कहा। एक्चुअली फेराडे ने कहा वोल्टेज इस्टेब्लिश होता रहेगा। क्या होता रहेगा? क्योंकि वोल्टेज है तो करंट है, वोल्टेज है तो करंट है। अब इस चीज़ को एक चीज़ और समझिएगा कि अगर आप ये इस कॉइल को यही यहाँ से हटा देंगे गैल्वेनोमीटर को, तो सर्किट के क्लोज ना हो पाने की वजह से करंट तो इस्टेब्लिश नहीं होगी, मगर वोल्टेज तो तब भी बनता रहेगा। समझ में आ गया ना? वोल्टेज तब भी बनेगा ना, करंट नहीं होगी क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, मगर वोल्टेज तो तब भी बनेगा, तब भी यहाँ टर्मिनल पे प्लस बनेगा और यहाँ पे माइनस बनेगा, मगर सर्किट ओपन होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ अब तक करंट बोल रहे थे वहाँ वहाँ बोलेंगे वोल्टेज। समझ गए बच्चों? समझ में आया? यस सर। ओपन सर्किट में, जी हाँ।
तो समझिए, फिर से पॉइंट पे वापस आते हैं। फैराडे का पहला लॉ क्या था? फैराडे ने कहा जब तक आप ये हलचल करते रहोगे, जब तक आप मैग्नेट को चेंज करते रहोगे, जब तक आप फ्लक्स को चेंज करते रहोगे, तब तक क्या क्रिएट होता रहेगा? मैग्नेटिक वो करंट, वोल्टेज। अब करंट को भूल जाओ, क्योंकि करंट तब तक के लिए जब तक सर्किट क्लोज है, वोल्टेज। बट इस चैप्टर में वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज वो होता है जो खाया जाता है, जो नीचे आप सोर्स लगाते हो, जो डेवलप होता है बेटा, उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो फैराडे के शब्द में मैं फिर से बोलता हूं कि जब तक आप ये हलचल करते रहोगे, तब तक क्या क्या प्रोड्यूस होता रहेगा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ, जितना जोर का हलचल होगी, जितना जोर का ये मैग्नेट आगे पीछे होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज। भाई सर्किट में दो चीजें होती हैं, एक अप्लाइंग बैटरी, लगाया गया खाना 12 वोल्ट, और ऊपर ये बैठ करके जो हजम कर गए तीन लोग, तो ये जो ड्रॉप होता है इसके ऊपर, 12 में से 4 इसके ऊपर गया, 4 इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर, ये जो ड्रॉप होता है इसको बोलते हैं वोल्टेज, और ये जो लगाते हो इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, क्योंकि भैया टोटल जो आपने वोल्टेज लगाया उसको ईएमएफ है, ये जो अप्लाई किया, क्योंकि ये भी वोल्टेज बोलोगे, ये भी वोल्टेज बोलोगे, ये भी वोल्टेज बोलोगे, ये भी वोल्टेज बोलोगे, तो फर्क क्या हुआ? खाने वाला और खिलाने वाला एक ही हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको समझने के लिए अपन ने इसका नाम दे दिया ईएमएफ और इसका नाम दे दिया वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। यशराज क्लियर? यशराज क्लियर? यस सर क्लियर। तो भाई देखो, ये आपने यहाँ पे, तो यहाँ ईएमएफ डेवलप होगा। तो पहला लॉ मैंने क्या बताया कि जब तक है जान, मतलब जब तक आप ये खदल बदल करोगे, ये तब तक इसके ऊपर ईएमएफ डेवलप होगा। अब नहीं बोलना वोल्टेज, ईएमएफ, ठीक ना? तब तक ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा लॉ, जितनी जोर की ये खदल बदल करोगे, उतना जोर का ईएमएफ आएगा। मतलब ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यस, डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का बदलना टाइम के साथ क्या होगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अभी बहुत दूर है, चिंता मत करो, इसको देख करके भयभीत मत हो जाओ, इसको अभी मैंने ऐसे ही बता दिया, ई प्रोपोर्शन। ये दूसरा लॉ है बच्चों। तीसरा लॉ जो है वो देने के पहले भाई फैराडे सब चले गए दुनिया छोड़ करके, उसके बाद उनका बाकी बचा हुआ काम किया था लेंज ने। तो लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने बताया था एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या होगी। एक्चुअल करंट की डायरेक्शन मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये काम लेंज ने किया। अब वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत देर में आना है मगर मैं आपको सिखा देता हूँ। आइए देखिए होता क्या है, डायग्राम पूरा देखना। देखिए जैसे ये मैग्नेट पास में आ रहा है, ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पास में आ रहा है, नॉर्थ को पास में आते देख करके ये भी देखना नॉर्थ बन जाएगा। ये देखो बन गया नॉर्थ, बन गया नॉर्थ। अभी इसके क्वाइल के ऊपर कुछ लिखा है क्या? क्वाइल के ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा, बट जैसे आया तो ये देखो क्वाइल नॉर्थ लिख गया। मतलब ये यहां से आया और ये नॉर्थ बन गया क्वाइल का। नॉर्थ मतलब इस छल्ले में कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, बताया था ना, एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ फॉर आंटी, पुलिस बुला लेगी, एन, समझ गया ना, एंटी आंटी। तो ये नॉर्थ बन गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेवलप हो जाएगी। इधर से ये करंट नीचे की तरफ आएगी, करंट नीचे की तरफ आ रही, इसका मतलब ये, अच्छा, करंट नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब यहाँ घुस रही है करंट, ये नेगेटिव होगा, और यहाँ से निकल रही है मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट हमेशा पीछे इधर से आती है तो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो ये नॉर्थ पोल, ये बन गया नॉर्थ पोल, समझ गए? अब एक चीज़ और फीलिंग लेके आओ, बहुत सारी फीलिंग है इस चैप्टर में। ये नॉर्थ जैसे पास में आएगा तो ये वाला टर्मिनल क्या बन गया बेटा? नॉर्थ बन गया। ये देखो नॉर्थ बन गया, ये नॉर्थ, इस नॉर्थ को, अब ये तो आपको पता है ना कि सोलेनोइड में करंट बनती है तो एक नॉर्थ बनता है एक साउथ बनता है, ये सोलेनोइड ही तो है बच्चों। हाँ, उसमें बैटरी लगाते थे, इसमें बट बैटरी अपने आप जनरेट हो रही है बच्चों। तो ये नॉर्थ बन गया। अब एक चीज को फील करो कि ये नॉर्थ है और ये जो पास में आ रहा है ये भी नॉर्थ है,
तो ये जो पास में आ रहा है ये भी नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों करेगा अट्रैक्ट? नहीं, रिपेल कर रहा है। रिपेल करेगा, कर नहीं रहा है, रिपेल करेगा। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, परंतु हम जबरदस्ती इसको मैग्नेट को अंदर की ओर लेके आ रहे हैं, मतलब इसके रिपल्सन के विरोध में हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, कर रहे हैं, वही हमारी जो इसको मैग्नेट को पकड़ करके हम जबरदस्ती अंदर ठूस रहे हैं, यही हमारी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में करंट में बनती है। कहिए, अभी तो अपना कुछ उससे जुड़ा नहीं है। बिल्कुल जुड़ा नहीं है, ना बैटरी है ना। इसी बात को इंडक्शन बोलते हैं, इसी बात को बोलते हैं इंडक्शन, बिना टच के वहाँ पर करंट डेवलप हो रही है, इसको बात को बोलते हैं इंडक्शन। कुछ मतलब जुड़ा नहीं है वोल्टेज, मतलब करंट उधर फ्लो तो हो नहीं रहा है ना, उधर बैटरी जुड़ी ना कुछ, फिर उसके बाद अपन उसका वो कैसे पता कर रहे हैं कि वो नॉर्थ है कि वो नॉर्थ, तो तभी पता पड़ा ना कि जब वो मैग्नेट अंदर आया था, जब ये मैग्नेट, हाँ ये आप कह रहे हो कि सर ये बैटरी तो है नहीं यहाँ पे, तो आपने ये कैसे, करंट ही नहीं है, ये नॉर्थ कैसे हुआ? तो यही लॉ लेंज ने बताया कि जब ये नॉर्थ टर्मिनल पास में आता है तो यहाँ वाला क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा, मतलब ये ऐसा बन जाएगा कि ये इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करे। ये मैग्नेट यहाँ पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, मैग्नेट जब आ रहा है तो बताओ अंदर आने पर ये फ्लक्स बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ाएगा। तो ये जो क्वाइल रहेगी ये कहेगी मेरे अंदर से जाने वाला फ्लक्स तुम बढ़ाओ मत, चेंज मत करो। तो अगर उसको विरोध करने के लिए ये नॉर्थ है तो इसे क्या होना पड़ेगा, कहेगा साउथ, विरोध करने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, नॉर्थ होना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, और ऑटोमेटिकली ये बनेगा नॉर्थ, तो क्या बन जाएगा, ये साउथ। तो ये बन गया नॉर्थ, मतलब इस वाले छल्ले में नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट नीचे भगेगी यहाँ। अरे नॉर्थ देखो ना, ये देखो इस डायरेक्शन में, समझ गया ना। तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो एक मिनट, इधर वाले छल्ले में ऊपर, इधर वाले में नीचे, इधर वाले में ऊपर, इधर वाले में नीचे, छल्ला अलग से बना के देखना पड़ेगा कैसी करंट आ रही है। ये नॉर्थ इधर की ओर आ रहा है, चलो मैंने इसमें बनाया तो होगा, ओके। एक मिनट भाई रुक जाओ, बता रहे हैं ना। हाँ बच्चों संभाल के थोड़ा सा आराम से देखिएगा, करंट की डायरेक्शन बहुत पंगे वाला विषय है, क्वेश्चन भी आता है इस पर। ये नॉर्थ इसके पास में आएगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन गया, मतलब ये वाली क्वाइल पकड़ लो, बस ये वाली क्वाइल पकड़ लो, इसके अंदर नॉर्थ देखो, ऐसे कर लो और इसके अंदर नॉर्थ देखो, तो देखो ये फेस ये हो गया। अरे रुक जा भाई, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, मतलब करंट इधर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर करंट जाएगी। पहले मैं इधर से नीचे ला रहा था शायद, तो वो डायरेक्शन मैंने गलत बनाई थी, करंट ऊपर की ओर जाएगी। ये वाला पोल क्या है, नॉर्थ है भाई, देखो ना, यहाँ से ये करंट जाएगी, ध्यान दो, यहाँ से ये करंट जाएगी और ये घूमी, तो ये नॉर्थ का सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, देखो ये कर रही है, समझ गए ना, तभी तो करंट नीचे से जाएगी, मतलब ये टर्मिनल बनेगा प्लस और ये टर्मिनल बनेगा, अभी तो बोल सकते हो रोल रोल होके ये करंट नीचे चला जाएगा। आपके समझने के तरीके हैं, जैसा समझना आप समझ लो, बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो करंट की पोलैरिटी है ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। यशराज जय हंसिका, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ ये बहुत टफ है, एक बार रिपीट कर दो। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए देखिए, यहाँ जैसे ही आप ये नॉर्थ को लेकर के आ रहे हैं तो नॉर्थ का अपोज करने के लिए बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ मतलब सर्किट में जो करंट चलेगी इस वाले पार्ट में, इस वाले छल्ले में जो लास्ट में है, ये लास्ट वाले छल्ले में कैसी करंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करो, ये जो लास्ट वाला छल्ला ऐसा टेढ़ा रखा हुआ है ना, इसको मैं सामने बनाता हूँ, ये देखो ये सामने बना रहा हूँ, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये देखिए इस तरीके से करंट चलेगी इसमें ऐसे। तो अब ये करंट यहाँ ले आओ इसमें, इस तरफ नीचे ऐसा, तो भैया सामने की तरफ जब नीचे जा रही है तो पीछे से आई होगी तभी तो सामने की तरफ नीचे जाएगी। ये देखो सामने से नीचे भग रही ना करंट, क्यों भग रही, क्योंकि छल्ला ऐसा है। तो
तो सामने से ऐसे नीचे जा रही, मतलब पीछे से क्या हुई होगी, आई होगी, मतलब करंट यहाँ से आई होगी, समझ गए ना। अगर करंट यहाँ से आई मतलब ये टर्मिनल क्या प्लस और ये टर्मिनल क्या नेगेटिव। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये बन गया नॉर्थ पोल। अभी और एक चमत्कारिक बात है, देखना जरा अच्छे से, बहुत मज़ेदार मज़ेदार बातें हैं इसमें फैराडेज लॉ में, ये बहुत डेलिकेट टॉपिक है। ओके अब देखो जी, ये नॉर्थ वाला खेल हो गया। अब इस क्वाइल को देखना, साथ ही साथ ये क्वाइल रखी हुई है, ये नॉर्थ आ रहा था, नॉर्थ वाले ने क्वाइल के इस एंड ने बोला कि ओए मेरे अंदर से फ्लक्स मत बढ़ा, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ फ्लक्स, तो मैं तेरे आने का अपोज करूँगा। तो ये बन गया नॉर्थ। अब देखो दूसरा, ये साउथ है, ये साउथ इस वाली क्वाइल के रिस्पेक्ट में कहाँ आएगा, पास आएगा कि दूर जाएगा? बोलो आर्यन, ये साउथ वाला पोल इस क्वाइल के रिस्पेक्ट में पास आएगा कि दूर जाएगा? बट क्या बात करते हो यार, जब वो इधर भाग रहा तो साउथ पास कैसे आएगा? क्या मैग्नेट च्युइंगम थोड़ा ना लंबा हो जाएगा? ये देखो ये नॉर्थ इधर है तो साउथ दूर नहीं गया, ये देखो साउथ दूर गया, नहीं जा रहा साउथ दूर, ये साउथ है, पहले इधर था, अब देखो साउथ कहाँ पहुँच गया, ये देखो साउथ यहाँ पहुँच गया, तो पहले यहाँ पर था, अब साउथ यहाँ पहुँच गया तो दूर नहीं पहुँच गया, साउथ दूर जा रहा है। अब साउथ दूर जा रहा है तो ये पहले नॉर्थ नॉर्थ के आने का अपोज कर रहा था, अब ये साउथ इससे दूर जा रहा है, तो बताओ साउथ के दूर जाने का अपोज करने के लिए क्या बन जाएगा? नॉर्थ। हाँ अब बोले तुमने बिल्कुल सही, ये नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि ये कहेगा साउथ तुम मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि तुम मुझसे दूर जाते हो तो फ्लक्स मुझसे चेंज होता है और मैं चाहता हूँ मुझसे फ्लक्स चेंज ना हो। तो ये जो है अभी जो तुमने बात बोली है वो कंसेप्चुअल सही नहीं है, अभी रुक जाओ अभी मत बोलो। अभी देखो ये साउथ, ये नॉर्थ इसके अंदर वाली बात हो गई, इधर वाला पार्ट छोड़ दो, अब इधर वाले पार्ट को देखो, ये जैसे ही साउथ इससे दूर जा रहा था तो इसका अपोज करने के लिए क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। तो अब इसमें भी करंट डेवलप हो गई, क्योंकि इससे भी फ्लक्स क्या हुआ? चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। अब इसमें करंट कैसे डेवलप होगी? देखो ये वाला पोल नॉर्थ है और ये वाला पोल साउथ है, जस्ट इसके उल्टे है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे उल्टा होगा, ये प्लस और ये माइनस। बोलो क्लियर हो गया, बन जाएगा यस, इस तरीके से हो गया। बोलिए बच्चों क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ हंसिका क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? एक बार रिपीट कर दो। ठीक है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हंसिका आप मुझे ये बताइए कि ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो ये साउथ पोल भी इधर से दूर जाएगा, तो साउथ पोल के दूर जाने को इस क्वाइल को, ये क्वाइल अगर रोकना चाहती है कि साउथ पोल दूर ना जाए, क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि साउथ पोल दूर जाएगा तो अभी जितना इससे फ्लक्स लिंक है, मान लो सपोज इतना फ्लक्स लिंक है, तो साउथ पोल के दूर जाने से जो इससे फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगा। अब वो क्वाइल कहेगी कि मेरे अंदर से जाने वाला फ्लक्स चेंज मत करो, तो उस चेंज को रोकने के लिए बताओ ये क्वाइल का ये वाला फेस क्या बन जाएगा, साउथ बनेगा कि नॉर्थ बनेगा? बोलो नॉर्थ। बिल्कुल सही नॉर्थ बनेगा। तो जैसे ये दूर जाएगी तो ये नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ मतलब ये वाले छल्ले में, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट। बोलो हाँ या ना, ये जो छल्ला है लेफ्ट में इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट, यस और नो? यस सर। मतलब इस वाले छल्ले में एंटी क्लॉकवाइज करंट, मतलब जो करंट है वो पीछे से घूम करके, क्योंकि ये वाला छल्ला इधर से गया है ये और ये नीचे आया हुआ है, थोड़ी सी इमेजिनेशन तो लगेगी, तो ये मतलब ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला नॉर्थ बनेगा, उल्टा बना दिया मैंने, तो यहाँ वाले में करंट कैसी जा रही थी, ये प्लस माइनस, इधर वाले में ऊपर की तरफ जा रही थी और इसमें यहाँ से जा करके यहाँ नीचे आ रही थी, सॉरी तो इसमें उल्टा ऊपर की डायरेक्शन में करंट जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes. करंट आ गई समझ में? हाँ नीचे से ये 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 इस तरीके से ये ऐसा घूमेगा, ठीक है ना? चलो देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे करंट इस तरीके से बन जाएगी, ये देखिए, हाँ ये देखो करंट का एरो इधर ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, उसके बाद देखिए क्लियर करने के बाद इरेज ऑल इंक, ये देखो इरेज कर दिया, बैक करा। अब ये देखिए साउथ पोल दूर गया, ये क्या बन गया? नॉर्थ, ये नॉर्थ बन गया और नॉर्थ के सपोर्ट में करंट जो होगी इस तरीके से चली गई। बोलिए क्लियर? तो ये हो गया आपका फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट, ऊपर वाला देख लिया, अब आ जाइए नीचे वाले एक्सपेरिमेंट पे, इस पे। अब ये साउथ है, अब जवाब लूंगा मैं तुमसे, यशराज चलो जवाब दो, पहला जवाब
यशराज साउथ वाला पोल है, इसकी तरफ आएगा, कॉइल की तरफ आएगा। बताओ ये क्या बन जाएगा इस पोजीशन पे, साउथ या नॉर्थ? साउथ या नॉर्थ? साउथ बन जाएगा। और ये पोजीशन पे क्या बन जाएगा? उस पे नॉर्थ बनेगा। गलत यार तुम यार, आर्यन क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से देखो। ये नॉर्थ है, जब ये इधर जाएगा तो बेटा ये नॉर्थ भी दूर नहीं जाएगा, और ये नॉर्थ के दूर जाने को रोकने के लिए इसे क्या बनना पड़ेगा? अब आया समझ में यशराज? यस सर, ये भी साउथ है। चलो देखो, तो ये देखिए, इसको करते हैं आगे। ये तो हो गई पहली बात। हाँ ये वाला देखो, ये जैसे पास में आए देखो ये साउथ बन गया, ये देखो साउथ बन गया, और वो नॉर्थ उधर से दूर जा रहा है तो उसको भी रोकने के लिए क्या बन जाएगा? ये साउथ। तो करेंट की डायरेक्शन देख लीजिए, इधर वाले में करेंट इधर जा रही है, मतलब ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस, और इधर वाले में ये प्लस और ये माइनस। बोलो क्लियर अच्छे से? ये है फेराडे का पहला एक्सपेरिमेंट। हंसिका क्लियर? हंसिका क्लियर? देखो डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम है उसको आपको बैठ करके इत्मीनान से देखना पड़ेगा, क्वाइल को ऐसे रख करके कि नॉर्थ बन रही कि साउथ बन रही है, बड़े आराम से, तब वो समझ में आएगा। अब ये क्वाइल ऐसी बनी कि इसका फेरा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको आराम से रोक करके उसको देखना पड़ेगा कि क्या बन रही है, ठीक है ना? अच्छा चलो मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ आप लोग से। चलो अब आप इसको ले करके थोड़े से कंफ्यूज हो ना कि सर एक कॉइल की करंट कैसी होगी। चलो मैं पूछता हूँ, एक छल्ला तुम्हारी ज़मीन के फर्श पे रखा हुआ है, तुम ऊपर से मैग्नेट लेकर के आ रहे हो, ये नॉर्थ है। चलो मुझे बताओ कि इसमें, इस कॉइल में करंट का एरो कैसा होगा, इस वाले ये वाले पार्ट पे करंट का एरो कैसा होगा? ये होगा या ये होगा? बस ऊपर वाला, पक्का? चलो देखते हैं। देखिए इस वाली क्वाइल में जब तुम नॉर्थ को पास में लेकर के आओगे तो क्वाइल रोकने के लिए क्या बन जाएगी? नॉर्थ बन जाएगी। बोलो हाँ हाँ सर। तो नॉर्थ बनेगी मतलब ये वाला एरो इधर सपोर्ट में इसके, और ये वाला एरो इधर मतलब करंट की डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही ऊपर वाला। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है अब? यस सर। ठीक है एक और बार देखते हैं। एक और ये कॉइल अपने पास रखी हुई है, और ये अपने पास नॉर्थ पोल है, और ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो बताओ करंट की डायरेक्शन इसमें कौन सी होगी, इस पार्ट में, ये वाली या नीचे वाली? बोलो भाई कैसी होगी करंट की डायरेक्शन? सभी लोग बोलें, ऊपर वाली। तुमने बोल दिया एक बार ऊपर वाली, ठीक है। बोलो भाई ये तुम ऊपर वाली, और बोलो बच्चों। हंसिका जल्दी जवाब दो यार, चुप नहीं बैठा करो, गलत बोलो ना, कौन रोक रहा है? ऊपर वाली। चलो ऊपर वाली, सबने ऊपर वाली, नीचे वाली, नीचे वाली। चलिए देखिए ये नॉर्थ दूर जाएगा तो ये कॉइल इसके दूर जाने को सपोर्ट करेगी कि रोकेगी? सपोर्ट करेगी बच्चा, वो कहेगी दूर चले जाओ, दूर जाने से फ्लक्स कम हो रहा है, तो क्वाइल क्या करेगी? जब ये दूर जा रहा था, जब ये मैग्नेट दूर जा रहा था साउथ, तो इसको रोकने के लिए नॉर्थ नहीं बना था, तो जब ये नॉर्थ दूर जाएगा तो इसको ये बुलाएगी तो ये क्या बनेगा? साउथ बनेगा। देखो करंट का सेंस, ये देखो क्लॉकवाइज, तो नीचे वाला सही है। अब नहीं बताएंगे इससे ज़्यादा भाई, ये डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है? तो इस तरीके से ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस तरीके से देखी जाएगी, ये हो गया क्लियर। तो ये फेराडेस का पहला एक्सपेरिमेंट था। तो फेराडेस के पहले एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया बताइए, आयरन आपकी भाषा में सुनेंगे जब आप, पहला एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने वाले कोई नहीं हो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है। जब तक है जहाँ, तो बोलो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को मूव करेंगे, मूव करेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, जब तक है जहाँ तब तक है ईएमएफ। समझ गए पहला लॉ? तो भैया ये है पहला लॉ, ठीक है ना? अब ये लाइव खदड़ बदड़ देख लो, इस तरीके से जिसको मैं कहता हूँ मैग्नेट को आप आगे पीछे मूव करते हैं और करेंट इस तरीके से बदलती जाती है, ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है?
देखो करंट कम ज़्यादा कम ज़्यादा, आगे पीछे हो रही है, करंट चेंज हो रही है, वो तो रिफ्लेक्ट करेगी जैसा भी। बिल्कुल। एनिमेशन दिख रहा है बच्चों वहाँ? नहीं दिख रहा है यशराज? दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला लॉ। अब देखिए इसको मैंने फिर से एक स्लाइड और दिखा दिया कि थोड़ा मन मजबूत हो जाए आपका। अब पिछले बार मैंने फ्लक्स नहीं दिखाया था, इस बार देखो ये मकड़ी के जाल जैसा फ्लक्स दिख रहा है। अब जैसे फ्लक्स बढ़ेगा देखना करंट चेंज हो जाएगी। ये देखिए हुई, वो इसी डायरेक्शन में देखना है, जैसे ये करंट बन गई जल्दी से। हाँ करंट बन गई, फिर इसके बाद जीरो आ गया। गैल्वेनोमीटर को देखना, ये फटाक जीरो, जब तक फ्लक्स चेंज हुआ तब तक टुक, जब तक फ्लक्स चेंज हुआ तब तक करंट टुक, जब तक फ्लक्स बदला तब तक ईएमएफ बना, और जैसे ही फ्लक्स रुका तो ईएमएफ खत्म। चलो बोलो क्लियर है? Yes, चलिए yes, तो स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन जो फेराडेज का लॉ था वो क्या था? अभी पहले ऑब्जर्वेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द क्वाइल एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कटिंग एट डिफरेंट एंगल एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्वाइल। ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते हैं तो फ्लक्स बदलता है, बस इस लाइन का मतलब ये है फ्लक्स बदलता है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमसे निकल करके आया, देखिए जो ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं और ऑब्जर्वेशन को पढ़ने के बाद हम लॉ बना देंगे। ये लॉ जो लिखा है ब्लू कलर से लिखा हुआ है लॉ। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने? हमने ऑब्जर्व किया पहला पॉइंट, देयर इज ए रिलेटिव मोशन। हमने जो पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया, देखिए पहला लॉ खत्म होने जा रहा है। पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया हमने, फर्स्ट पॉइंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट। क्वाइल रुकी थी, मैग्नेट आगे पीछे भाग रहा था, सो दिस इज वॉट रिलेटिव मोशन। तो क्वाइल एंड मैग्नेट के बीच का रिलेटिव मोशन है। ऐसा करने से क्वाइल के अक्रॉस क्या जनरेट हो गई, मैग्नेटिज्म पोलरिटीज, मैग्नेटिज्म पोलरिटीज बन गई, एक नॉर्थ बन गया एक पोल साउथ बन गया। यस द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और ऐसा करने के बाद जैसे पोलरिटी जनरेट होती है गैल्वेनोमीटर से करेंट फ्लो होने लगती है। द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब मजा आ गया, कुछ ना कुछ है, फ्लक्स के बदलने से क्वाइल में क्या दौड़ गई, करेंट, है ना, मतलब हमारी मेहनत सर्किट की करेंट, समझ गए ना, हम मैग्नेट को अप एंड डाउन मूव करेंगे और सर्किट में क्या होगी, करेंट चलेगी। क्लियर हुआ? ठीक ना, फ्लक्स का बदलना ऑब्वियसली बिल्कुल अनवैलिड चीज़ नहीं है। आपकी गाड़ी में जितनी लाइट जलती वो इसी से जलती है भाई साहब, आपकी गाड़ी में आपकी बैटरी की इतनी ताकत नहीं रहती कि वो सालों साल आपकी गाड़ी को रन कर दे, समझ गए ना। वो आपकी गाड़ी में कॉइल में मैग्नेट लगा होता है, अल्टरनेटर लगा होता है, वो बिजली बनाता है आपकी कॉइल गाड़ी का, तो ये वही कंसेप्ट है। सो द डायरेक्शन ऑफ द करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर दैट, हाँ अब यहाँ पे लॉ शुरू हो रहा है, चौथा नंबर पॉइंट लॉ, हाँ दैट द इंड्यूस करेंट इज, इंड्यूस करेंट बोलो या ईएमएफ बोलो, अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक है जहाँ, है ना, एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट। बच्चों फेराडेज का पहला लॉ लिखो, कॉपी में लिखो फेराडेज लॉ, लिखो द इंड्यूस करेंट और EMF, the induced current ब्रैकेट में EMF is available only as long as there is relative motion between the coil and the magnet, there is a relative motion between the coil and the magnet। तो जब तक coil और magnet के बीच में relative motion है तब तक flux बदलता रहेगा, और जब तक flux बदलता रहेगा तब तक EMF create होता रहेगा, और अगर circuit close कर दिया तो current के भी दर्शन हो जाएंगे, समझ गए ना। चलो नोट फर्स्ट, क्वाइल कैन बी मूव्ड बाई फिक्सिंग द मैग्नेट। हाँ आप ये भी कर सकते हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे,
क्वाइल को फिक्स करके मैग्नेट को मूव कर रहे थे। अब आप ये कर सकते हैं, मैग्नेट को फिक्स करके क्वाइल को मूव कर दें, आपको सेम परिणाम मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फ्लक्स तब भी बदलेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बोथ द क्वाइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव, दोनों को मूव करो तो और तेज़ी से फ्लक्स जनरेट होगा, है ना, और तेज़ी से फ्लक्स कटेगा, रेट बढ़ जाएगी। सो बोथ द क्वाइल एंड मैग्नेट बी मूव टूवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम द ईच अदर, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। हाँ, दोनों को मूव करो, बट ऐसे मूव मत करना कि उसी स्पीड से मैग्नेट को मूव कर रहे हो, उसी स्पीड से क्वाइल को मूव कर रहे हो, तो जितना फ्लक्स था वही का वही रुका रहेगा, तो फिर बदलेगा ही नहीं, रिलेटिव स्पीड कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल चेंजेस रिलेटिवली टू द पोजीशन ऑफ द क्वाइल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द क्वाइल, मतलब क्वाइल से जाने वाला फ्लक्स बदलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। करंट एंड हैंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट, हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ अक्रॉस द क्वाइल इज मोर, जितना जोर का रेट होगा चेंज होने का फ्लक्स का, उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा, जितना जोरों का रेट ऑफ चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा। आपने देखा होगा गाड़ी में रेस करते हैं, अगर गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन करवा लिया है, समझ गए ना, तो उसका सिस्टम ये, जितना जोर का रेस मारोगे तो उतनी तेज लाइट जलेगी, समझ गया ना, बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन हट गया है, समझ गया ना। बट जिन गाड़ियों में बैटरी से कनेक्शन है, पल्सर RTR 220, उसमें लाइट बिल्कुल कांस्टेंट जाती है, बट यहाँ पर लाइट जो है मेरी गाड़ी की वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, क्योंकि जितना जोर का मेरा फ्लक्स मूव होगा उतनी ज़्यादा करंट बनेगी, और जितनी करंट बनेगी उतनी लाइट जलेगी, समझ गया ना। आज अपने घर में जाके पूछना, हमारे पिताजी के लोग के टाइम में वो साइकिल में चक्के में लाइट लगी रहती थी, पहले आगे लाइट लगी रहती थी, और वो जितनी जोर की साइकिल की पेडलिंग करते थे उतनी जोर वो लाइट जला करती थी। वो साइकिल मैंने भी चलाई है, आप लोग जरूर अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या उन लोगों ने वो वाली लाइट वाली साइकिल चलाई है। चक्का में मैग्नेट रहता था, चक्का में मैग्नेट नहीं लगा रहता था, चक्के में बगल में एक डायनामो लगा देते थे, वो डायनामो घूमता था, और जितना जोर का चक्का घूमता था उससे घिस करके वो उतना जोर का डायनामो घूमता था, तो उससे वो लाइट जलती थी। चलिए, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त की जाती है, कल पढ़ेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक ना। आज जो पढ़ाया है उसका वीडियो अपलोड कर देता हूँ जल्दी से, इसको देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक जो है हल्का सा डिफिकल्ट है। हाँ भाई यशराज, समझ में आया कि सब ऊपर से गया? यस सर, आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना हंसिका, क्लियर है टॉपिक? यस सर। ठीक है, ये थ्योरी है, थोड़ी सी कम आती है। आज की क्लास में मालूम क्या आएगा, केवल एग्जाम में एक लाइन आएगी, फैराडे का लॉ लिखो, बस एक लाइन आज की क्लास में, केवल एक लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। नोट का फोर्थ स्टेटमेंट फैराडे का सेकंड वो है लॉ है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट है, ये तो पूरा फैराडे फर्स्ट लॉ है, फैराडे सेकंड लॉ तो कल शुरू होगा। ये देखिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट 2, तो फैराडे नहीं मतलब उसका सेकंड स्टेट एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ के? नहीं बेटा, ये जो सारा चीज है ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में से ये पहला लॉ ये निकल करके आया, सब कुछ करने के बाद ये जो पहला लॉ है ब्लू कलर में निकल करके आया। आपको समझ में आया अभी? यस सर, आ गया। कल अपन सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जितना अपन ने फर्स्ट पढ़ा वैसा ही कल, ये सारा कुछ करने के बाद, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद ये स्टेटमेंट निकल करके आया, बेटा जी ये है फर्स्ट लॉ। अब कल हम सब कुछ पढ़ेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, उसके बाद अपना सेकेंड लॉ निकल करके आएगा, ये है सेकेंड लॉ ब्लू कलर में। फिर दोनों लॉ को मैं एक साथ लिख दूंगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये देखो पहला लॉ कल मैं लिखूंगा, ये देखिए, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद ए सर्किट, वेन एवर जब भी कर सर्किट, ओके है ना, तो इट लास्ट एज सो लॉन्ग एज, इट लास्ट जब तक है जहाँ, वही तो इट लास्ट, ये तभी खत्म होगा है ना, सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग। तो इसको कल थोड़ी अपन टेक्निकल लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में लिखवाएंगे। ये फर्स्ट लॉ है और ये बनेगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, जितनी जोर की साइकिलिंग करोगे, पेडलिंग मारोगे, जितना जोर का फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज़्यादा EMF बनेगा, जितना जोर का रेस करोगे गाड़ी को उतना जोर का EMF बनेगा, जितना रेस करोगे उतना जोर इंजन मूव करेगा, जितना जोर इंजन मूव करेगा उतना जोर मैग्नेट घूमेगा, और मैग्नेट जितना घूमेगा उतना फ्लक्स कटेगा। सो समझ में आया? चलिए इस वीडियो को ज़रूर दोबारा पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।